हर इंसान का कर्तव्य होता है कि वो अपनी जीवन कर्तव्य के साथ साथ कुछ सांसारिक कर्तव्य में उन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से निभाए। आज देश में जब बहुत बुरी स्थिति आई है, कोरोना की आई है, और मैं देश की नहीं, ये पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। जब दुनिया में पूरी कोरोना वायरस की वजह से एक करहने जैसी आवाज है, तो हमें हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। हमारे पर्सनल कर्तव्य क्या है? जीवन को बचाना, ये जीवन का एक बहुत इम्पोर्टेंट कर्तव्य है, जीवन को बचाना, और आप इस कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते। दूसरी बात है कि जीवन के साथ साथ अपने देश को भी बचाना, दुनिया को भी बचाना, ये सांसारिक कर्तव्य है, और इसे निभाना भी उतना ही जरूरी है जितना जीवन को बचाना जरूरी है। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस ऐसी स्थिति में भी गलत भावना के साथ या गलत मानसिकता के साथ लोगों के प्रति पॉजिटिव जागरूक की तो नहीं फैलाते हैं, बल्कि उसकी जगह नेगेटिव जागरूकता फैलाते हैं। कहीं अफवाहें हैं, या फिर मैं कह दूं कि आप गवर्नमेंट का, देश की, या फिर जो भी, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, ऐसी पूरी स्थिति में, ऐसी एक दुख वाली स्थिति में, प्रॉब्लम वाली स्थिति में हमें सपोर्ट करना होगा। अपने देश को बचाना भी है, आगे लेके भी जाना है, खुद को भी बचाना है, अपने परिवार को भी बचाना है, पूरी दुनिया की खुशी के लिए इबादत, दुआ भी करनी है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव सोच के साथ रहें। अगर आप गरीब हैं और सच में आपके पास खाने के लिए नहीं है या बहुत दिक्कत है, तो आप सरकारी हेल्प ले सकते हैं। बट अगर आपके पास पर्याप्त चीज़ें पहले से ही हैं, तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि आप अगर कुछ समय तक अपनी प्रॉब्लम से खुद वो सफ़र कर सकते हैं, उनको सह सकते हैं, तो सरकार के उस पैसे को गरीब लोग यूज करें, आप यूज ना करें। क्योंकि अगर आप रह सकते हैं, अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं, कोशिश करें कि आपका वो पैसा, आपका वो अनाज कोई जानवरों के लिए या कोई गरीबों के लिए अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। मानवता भी उतनी ही जरूरी है जितना जिंदा रहे।